हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं पास्ता, वो भी बहुत सारे वेजीज के साथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी को उबाल लेंगे थोड़ा सा। जब पानी थोड़ा उबलने लगेगा, हम उसमें एक छोटी चम्मच तेल डाल देंगे और साथ ही एक छोटी चम्मच नमक डाल लेंगे। अभी यहाँ पे हम पास्ता डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप पास्ता लिया है। इसे ढककर 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अभी इसका ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से उबल चुका है कि नहीं। तो आप चाहो तो हाथ से चेक कर सकते हो या फिर एक चाकू लीजिए और इससे ऐसे बीच में काट लीजिए। अगर ये अच्छे से कट हो गया तो उबल चुका है, नहीं तो आप थोड़ी देर और उबाल सकते हो। इसका पानी हम छान कर ठंडे पानी से ठंडा कर लेंगे और उसे साइड पे रख दे। अभी हम एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे और उसमें 1 बड़ी चम्मच तेल डाल देंगे। जब तेल थोड़ा गरम होने लगेगा, हम उसमें डालेंगे कटे हुए लहसुन। ये मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ बारीक काट ली है और अभी हम इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम प्याज डाल देंगे बारीक कटे हुए। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसे भी कुछ समय के लिए हम फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने सब्जियों को डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गाजर लिया है, बीन्स थोड़ा काट लिया है और थोड़े से कैप्सिकम लिए हैं और हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से मिला देंगे और अभी नमक डाल देते हैं। नमक हमने पास्ता में भी डाला है, इसलिए नमक आप कम इस्तेमाल करें। इनको अच्छे से मिला के फिर से कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अभी इसका ढक्कन खोल के हम यहाँ पे कटे हुए टमाटर है उसको ऐड करेंगे। क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाता है, इसलिए मैंने इसे बाद में डाला है। और साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता पर इससे कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब, ताकि हमारे सब्जी अच्छे से पक जाए। दोबारा इसको कवर करके हम 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। हम इसे थोड़ा सा मिला देते हैं और यहाँ पे हम 3 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। मिला दें अच्छे से और हमारे उबले हुए पास्ता जो है उसको डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिलाएं। ध्यान रखें, जब हम इसको मिलाएंगे, गैस का फ्लेम आप बहुत ही ज़्यादा लो रखें। आप चाहो तो यहाँ पर रेड चिली सॉस और सोया सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैंने इसके बिना ही बनाया है, पर उसके बिना भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच ओरिगैनो डाल रही हूँ और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिला देंगे और मैं यहाँ पे एक अमूल चीज स्लाइस डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो इसके बिना भी आप खा सकते हो। तो इस वक्त आप गैस का फ्लेम बंद भी कर सकते हो या फिर लो फ्लेम पे चीज़ को मेल्ट होने तक अच्छे से मिला ले।
तो ये हमारा टेस्टी पास्ता बनकर रेडी हो गया है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।